Guys, I'm drunk. Don't f with me. कुछ नहीं है, उसकी नसीब में ट्रॉफी थी, उनको मिली, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे नसीब में सबका प्यार है, वो मुझे मिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं है। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी का कल जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने ग्रैंड पार्टी होस्ट की, जिसमें उनके परिवार वाले और बिग बॉस के दोस्त पहुंचे। मैम सामने आपके यही चलेगा। अमर अमर सिद्धू की भाई भारती जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका बर्थडे है, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, अगला साल आपका बहुत ही कमाल करे, आई लव यू, थैंक यू। फ्रेंड्स सेलिब्रेशन कैसा रहा आपको बता दो? एकदम एकदम बढ़िया रहा। शिल्पा शेट्टी के पति भी मीडिया के सामने आए। इस दौरान शमिता के बॉयफ्रेंड राकेश जब पार्टी से वापस जा रहे थे तो उनकी बहन को पेपराजी ने मम्मी कह दिया, जिसके बाद जो राकेश ने बोला वो खुद ही आप सुन लें। मम्मी नहीं, बहने भी बारीक बोल दे। सॉरी बोल रोहित, सॉरी बोल, सॉरी सर, सॉरी सर, हम तो रोहित सॉरी बोल, रोहित कुछ काम का नहीं। चल जाओ, यू कमिंग फ्रॉम हियर? बाय सर। बाय सर। सर बाय। बाय बाय। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं हूं। सर शादी कब हो रहा है? हां बताऊंगा आपको। सर अरे सर, अरे शादाब क्या कर रहा है पूरा? राकेश सर जी को बाय गाइस। मत बोल यार, चलो 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 चलो, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म जल्दी। मैम का क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूंगा मैं, हैप्पी बर्थडे। उनको कुछ गिफ्ट सरप्राइज है। वहीं शमिता का दोस्त निशांत पूरी तरह से नशे में दिखा। यही नहीं, उन्होंने खुद कैमरे के सामने कहा कि यार मैं पूरी तरह से ड्रंक हूँ। आई लव अभिजीत, इज अमेजिंग।
इज लवली भाई भाई उनका अरे यार चलो यार खत्म करो। प्रतीक भी जीतने वाला था लास्ट मोमेंट में, तेजा को जीता है, क्या बोलना चाहिए? तेजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आई एम ग्लैड शी वन। प्रतीक मेरा अच्छा दोस्त है, वो जीतना चाहिए था बट नहीं जीता, बट इट्स ओके, मूव ऑन पीपल इन लाइफ। सर सर उमर उमर और रश्मि की जोड़ी के बारे में कुछ बताओ। दे आर स्वीट यार। उमर उमर रश्मि राकेश Guys, I'm drunk, don't f**k with me. प्रतीक को पार्टी में देख फैंस खुश हुए और प्रतीक ने भी लोगों को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा। बहुत मजा किया, बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मतलब 4-5 दिनों बाद मिले बट ऐसा लग रहा था कि बस मतलब बहुत मिस किया एक्चुअली सबको, खास लोगों को, अपने यू नो करीबी लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ एक एक पल मैंने बहुत मिस किया, एक एक पल। मतलब ये जिंदगी भर ये दोस्ती अटूट है, अटूट रहेगी। आराम से गाइस, आराम से बड़ा सा दौड़ पीछे तो ये दोस्ती अटूट है हमेशा, और वो प्यार मोहब्बत हमेशा जिंदगी भर रहेगी। सब आप लोगों के सामने है, जो होगा आप लोगों के सामने होगा। बहुत अच्छी फीलिंग है, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे, मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा गलत तरीके से हुआ, ठीक है, जिसका नसीब है यार, भगवान से और नसीब से बड़ा कुछ नहीं है। उसकी नसीब में ट्रॉफी थी, उनको मिली, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे नसीब में सबका प्यार है, वो मुझे मिल रहा है, वो मुझे दिख रहा है, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो बस दुआ कीजिए मेरे लिए, और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है जिंदगी में यार, अभी जिंदगी का। सर आप बिग बॉस के नेक्स्ट लीडर तो बुलाओ। शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया आप उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता, अगर मैं उनके करीब भी पहुंचा तो मैं बहुत शुक्रिया। लेकिन सर फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको फुल सपोर्ट का। सर मैं भी फैन हूँ आपका, हम फैन बन चुके हैं अभी आपके। आप सबका फैन हूँ यार, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मैं आप सबका। सिद्धार्थ शुक्ला के बाद जो है तो फिर वो आप। भाई बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, बस हो गया। चलो थैंक यू। बस हो गया। प्रतीक थैंक यू। राखी ने कश्मीरा शाह के साथ कैमरे के सामने खूब नौटंकी की। मैंने बिग बॉस को बोला था अगर मेरे लिए किसी को भेजना है तो कैश को भेजना। देखो शी इज द परफेक्ट। करेक्ट। देखो आप एक बात मान लो, अगर बिग बॉस में हम लोग साथ में जाएंगे तो हम झगड़ेंगे। अरे राखी और मेरी सेम सोच है, जहाँ सेम सोच मिलते तो वहाँ झगड़ा होता ही है। ऑफ कोर्स है ना राखी, झगड़ेंगे हम तो बहुत लड़ेंगे, यहाँ तो दिखाने के लिए दोस्त से बढ़कर अंदर तो बहुत लड़ेंगे। हाँ चल ओके बाय। जैकेट में था पहले अरे धक्का मत दो, झगड़ो मत। आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। बोलिए
यहाँ पे आके भी बिग बॉस की ही बातें चल रही है। सब अभी कोना पकड़े हुए हैं, शमिता के बर्थडे में आए हैं, सब कोने में, रश्मि, मैं, राजीव, उमर, ईशान, जितने भी सब लोग हैं, प्रतीक, सब, नेहा, हम सब लोग बिग बॉस की ही बातें कर रहे हैं अंदर। और इतना मज़ा आया बर्थडे में, इतना इन्जॉय किया मैंने तो बिग बॉस के बाद। क्लासी फूड जिसे कहते हैं यहाँ पे खाया है। शिल्पा जी तो हॉट लग रही है, राज कुंद्रा जी और हॉट लग रहे हैं। बाय, सी यू। शमिता, आई लव यू सो मच, यू आर ब्यूटीफुल सोल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस जल्दी से शादी की मिठाइयाँ खिला दो और बस तुम्हारी शादी में आके नाचना चाहते हैं हम। बोलिए, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है और बहुत इन्जॉय किया। एंड आफ्टर बिग बॉस कुछ क्लासी फूड बहुत अच्छा खाया है हमने और अभी मैं बेहोश होने जा रही हूँ। अभी मैं बेहोश हो जाऊँगी घर जाके क्योंकि इतना खा लिया है मैंने। अब बिचकुलों का हमने केक बना के खा गए। चलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं चाह रही हूँ कि बिचुकले और देबोलिना देबोलिना के साथ एक सॉन्ग किया जाए। देबो देबो की तबीयत खराब है एंड मैं प्रे करती हूँ कि देबोलिना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। भाई जबरदस्ती रुका है राखी जी, आपके सामने तो नोरा भी फेल है। ओ राखी जी, आप पे रोहित को फोटो की आपके नहीं राखी जी, मेरे पास फोटो है आपके पास। राखी जी, राखी जी, थैंक यू, राखी जी। रश्मि और नेहा भसीन एक साथ पोज देते दिखे। मैम सामने आपके, राजीव ने भी पार्टी के बारे में बताया। मस्ती होगी ना वहाँ अंदर, बहुत मस्ती हुई है, मतलब बहुत खाना खाया और बहुत, मतलब बहुत मजा आया सबको मिलकर वापस और मुझे बहुत खुशी हुई। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो सॉरी कौन एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो एंटरटेनमेंट चल रहा है अंदर, बहुत एंटरटेनमेंट चल रहा है, मतलब राखी है, मैं हूँ तो बहुत हो गया। सुनो ना, बिल्कुल नहीं आया, मिस किए
क्या कुछ हुआ अंदर समिता के बर्थडे में? क्या बोला? पिंटू को लिखना मिस किया आपने? इनवाइटेड नहीं था तो कैसे मिस कर रहे हम? सवाल नहीं नहीं वो ठीक है, मतलब हम जो जितने लोग थे हम अच्छा लगा, वी लाइक्ड इट। राखियों में है ना तो बहुत मजा आता है हम दोनों के साथ। अच्छा बहुत सारे कंटेस्टेंट आए हैं, सबसे ज्यादा प्यारी बॉन्डिंग आपकी दिखी जाती है शमिता और ये शिल्पा शेट्टी के साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे ये दोनों बहनों के साथ? जो नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।